आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे संस्थापक प्रवीण तोगडिया हे विदर्भाच्या दौऱ्यावर असून ते वर्धा जिल्ह्यामध्ये आले होते. आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद आणि राष्ट्रीय बजरंग दलाचे कार्यकर्ते संमेलनाचे आयोजन अग्रेसर भवन येथे करण्यात आले होते. यानंतर पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना तोगडिया यांनी, मी कोणत्याही राजकारणीय पक्षाकडून नाहीये, मी हिंदुत्वासाठी कार्य करणार असल्याचे त्यांनी माहिती दिली आहे. आम्ही संघटन विचार या माध्यमातून समोर चाललो असून मी आतापर्यंत देशामध्ये 20,000 जास्त रॅल्या केल्या असून याचा फायदा BJP मिळेल असा. त्यामुळे BJP सत्तेमध्ये आली परंतु आता मी कोणत्याही पक्षाचा मजूर नाहीये. तसेच रेल्वे खाजगीकरणावर सुद्धा यावेळी ते बोलले. एक बात बघा, रेल्वे स्टेशन देंगे तो मान वो रेल्वे स्टेशन में सरकार को इस समय आवक 100 रुपया हो रही है. 100 रुपया कैसा आवक रही है? आपसे 10 रुपया प्लेटफॉर्म माल 10 रुपया लेंगे. मानो आप बिजनेसमैन है, आपने कहा मैं सरकार को 200 रुपया दूंगा. आप 200 रुपया तब दोगे जब 500 रुपया कमाओगे. जब सरकार 100 रुपया कमाती थी तब प्लेटफॉर्म टिकट का आपसे 10 रुपया लेता था, वो 500 रुपया कमाएंगे, प्लेटफॉर्म टिकट का 50 रुपया लेंगे. मेरा स्पष्ट कहना है, भारत का या दुनिया का कोई भी प्राइवेट व्यापारी मुनाफा के लिए काम करता उसमें गलत नहीं, पर प्रश्न है मुनाफा किससे लेगा, हमसे लेगा. तो आज जो रेलवे की टिकट हमें मिल रही है 10 रुपये में या 100 रुपये में या 500 में मिलेगी, मानी जितनी प्राइवेट के हाथ में जाएगी तो आज हमें जो पैसे चुकाने हैं वो 5 गुने चुकाएंगे और उनमें से सरकार को तो 2 गुना देगा, 3 गुना वो ले जाएंगे. मेरी तो समझ से परे है कि रोड, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम प्राइवेट बिजनेसमैन को देकर हम हिंदुस्तान की जनता को लूटने का. यूरोप में यह प्रयास हुआ और इतनी बुरी स्थिति हुई